नेता हो या आम आदमी, मास्क सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और ये बात राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वे खुद कोरोना से जंग जीत चुके हैं। यही वजह थी कि उन्होंने सबके सामने मंत्री ओपीएस भदौरिया को समझाइश दी और मास्क पहनने को कहा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री प्रभुराम चौधरी की बेटी के शादी समारोह में पहुंचे थे जहां उनके साथ मंत्री ओपीएस भदौरिया भी थे, लेकिन मंत्री जी मास्क लगाना भूल गए थे, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डांटते हुए लहजे में उनसे मास्क लगाने को कहा। साथ ही कार में मास्क न लगाने वाली बात का भी जिक्र किया। कोरोना के संक्रमण दौर में ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की जरूरत है। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मास्क न पहनने पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया पर भड़के। आप जरा मास्क पहनेंगे, मेरे गाड़ी में लेक्चर देने के बाद ये आपकी स्थिति है? आप हंसिए मत, हंसने की बात नहीं है, आप हार्ट पेशेंट हो।